ये पांच सवाल लड़की को शादी से पहले लड़के से पूछने ही चाहिए, मस्ट। हेलो फ्रेंड्स, लव यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नंबर पांच पे, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ रिलीजियन एंड स्पिरिचुअलिटी इन योर लाइफ। आपके जीवन में आध्यात्मिकता का, धर्म का क्या महत्व है? देखिए, इसका पर्पज़ क्या है सवाल पूछने के पीछे? इसे पता लगेगा कि वो कौन से धर्म में बिलीव करते हैं, क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं, उस पर क्या डिस्कस करते हैं, भगवान पे वो क्या कहते हैं। इससे मैरिड लाइफ सीधा कनेक्टेड, वो ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे तो मैरिड लाइफ में भी उस तरह का बिहेवियर हो सकता है। अगर वो डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से है या फिर अलग कुछ सोच रखते हैं तो भी आपको पता लग जाएगा और शादी के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपको पूछना चाहिए। नंबर चार पे, व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन हैविंग एंड रेजिंग चिल्ड्रन। देखिए, ये सवाल पहले ही दिन पूछना ज़रूरी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप दोनों साथ में मिल रहे हैं, बातों बातों में पूछना तो उनका पर्पज़ क्या है पता लगेगा। अगर आप बच्चे चाहते हैं और उनका भी पर्पज़ ऐसा ही है तो बहुत ही अच्छा, लेकिन आप बच्चे नहीं चाहते, साथ में जीना चाहते, वो भी ऐसा चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें फैमिली, पेरेंटिंग स्टाइल, वर्क का कैसे बैलेंस होगा, ये सब कुछ के बारे में पता लगेगा, क्योंकि ये सवाल पहले ही पूछ लेना ज़्यादा अच्छा है उनके पर्पज़ और उनके व्यूज़ जानने के लिए। नंबर तीन पे, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसों के मामले में क्या सोच रखते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं मुझसे? तो इसका पर्पज़ ये है कि एक कपल साथ में मिलके कैसे पैसे को हैंडल करें, क्या वो लड़कियों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं फाइनेंशियल चीज़ों में, या ऐसा ही कहता है कि लड़कियों को क्या लेना देना। हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, हम सेविंग कर लेते हैं, लेकिन वो ऐसा कहता है कि नहीं नहीं साथ में मिलके डिस्कस करना चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये सब कुछ इससे पता लगता है मैरिज के बाद क्या होने वाला है। नंबर दो पे, हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स। यानी कि आप कोई अगर दिक्कत हुई तो उसे कैसे हैंडल करेंगे। इससे पर्पज़ इसका ये है कि उनका रिजोल्यूशन स्टाइल क्या है, क्या वो कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार होते हैं, क्या वो एक हेल्दी रिश्ता चाहते हैं या फिर अपने ईगो को आगे रखते हैं मैरिज के बाद ये दिक्कत ना हो। इसके लिए आपको सवाल पूछना चाहिए, ख़ास करके लड़की को। नंबर एक पे, व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड एम्बिशियस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी महत्वाकांक्षाएँ क्या है, लंबे समय के लिए आप क्या सोच रखते हैं। अगर उनका गोल कुछ अलग हुआ तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है रिश्ता, एक दूसरे की लाइफस्टाइल को समझ पाते, एक दूसरे के काम को समझ पाते। वैसे ही करियर एक दूसरे से इंक्लूड हो तो लाइफस्टाइल आसान हो जाती है, क्योंकि अगर एक डॉक्टर है और एक पेंटर है, समझिए डॉक्टर पूरे दिन बाहर रहता है, इमरजेंसी में भी चला जाता है, पेंटर सोचता है मैं घर पे पड़े ये करता हूँ, इसका क्या मतलब, कोई साथ में हम टाइम बिताने वाले नहीं है, ऐसा वैसा। इस सोच के कारण आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि लंबे समय के लिए आपका गोल क्या है। तो मैरिज से पहले ही पांच सवाल लड़की को पूछने चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपने कभी कोई सवाल पूछा है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे हैं सारे GFBF राजा मजमू लला, जो भी वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी सवाल है सुझाव कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।